हेलो एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी रेसिपी चैनल में। और फिर से लेकर आई हूँ एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी। और आज मैंने ली है ये रागी, और रागी का मैं बनाने जा रही हूँ आटा। तो मिक्सी के जार में डाल करके रागी को मैंने पीस लिया है। अब हमें इसको छानना है और फिर अपनी फेवरेट रेसिपी बनानी है जो आपको पसंद आती है। तो मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ रागी के बिस्किट। तो रागी के बिस्किट बहुत टेस्टी होते हैं, हेल्दी होते हैं, और रागी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। और इस ये जो है रागी जो है बहुत ठंडी होती है और ये गर्मियों में ही खाई जाती है। तो रागी का डोसा, हलवा और रागी का ड्रिंक बना के गर्मियों में पिया जाता है। और मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ रागी के बिस्किट, वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में। तो मैंने यहाँ पर 1 कप रागी का आटा लिया है और 1/2 कप मेरे पास ये व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूं का आटा है। 1 बड़े चम्मच मैंने लिया है कोको पाउडर, 1/2 कप ले रही हूँ बूरा यानी कि मीठा, और 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर और उससे 1/2 बेकिंग सोडा। इसलिए ये सभी चीज़ें मैंने मिक्स की है। एक बर्तन में डाल के सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि सभी चीज़ें मैंने पहले से ही चलनी में डाल के अच्छे से छान ली थी। तो अब इनको अच्छे से मिलाना है, और मिलाने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो बटर या फिर देसी घी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ। बहुत ही इजी तरीके से आज मैं रागी के बिस्किट बनाने जा रही हूँ, और इसको हर कोई बनाकर तैयार कर सकता है। बहुत हेल्दी है गर्मियों में, और इसको स्टोर करके रख सकते हैं महीने भर के लिए। तो मेरे पास ये 1 चम्मच दूध है जिसको हमें हल्का सा इसमें स्प्रिंकल करना है, और इस तरह से इसका एक डो तैयार कर लेना है। तो धीरे धीरे मैं इस आटे को बना रही हूँ और फिर सभी आटे का एक डो बना लूँगी, और बनाने के बाद फिर हमें इस आटे को रेस्ट देना है। तो मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ, सभी आटे को इकट्ठा कर रही हूँ। तो इसमें अगर आपको थोड़ी चिकनाई कम लगे तो थोड़ा और डाल दीजिए, जिससे कि एक इस तरह से आटा बनकर तैयार हो जाए। फिर आप इसको 10 मिनट रेस्ट पर रख दीजिए। तो मैं यहाँ पर रखने लगी हूँ 10 मिनट रेस्ट पर एक बर्तन से ढककर। आप कपड़े से भी ढककर रख सकते हैं, कोई भी आटा बनाते हैं तो उसको रेस्ट तो चाहिए ही, क्योंकि रेस्ट से जो है उसमें जो जितनी भी आटा होता है वो अच्छे से फूल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो 10 मिनट के बाद फिर से मैंने इस तरह से उस डो का जो है फिर से मलने लगी हूँ। और बनाने के बाद फिर हमें इस तरह से छोटे छोटे लड्डू बनाने हैं, क्योंकि रागी का आटा जो होता है बहुत ही बिखरवा होता है, जल्दी से वो बंधता नहीं है। तो इस तरह से पहले मैंने इसके लड्डू बनाए और फिर इस तरह से मैंने इसको दोनों हथेलियों से जो है फ्लैट कर दिया है, और फिर आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना सकते हैं जो आपको पसंद है। तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा एक डिज़ाइन आपको करके दिखा रही हूँ जो बहुत ही सिंपल है। और इस तरह से ये OTG वाली ट्रे में मैं रख रही हूँ। आप चाहें तो गैस पर इसको बना सकते हैं, गैस पर भी बहुत ईजी है बनाना। मैंने अपनी कई रेसिपियों में जो है इस तरह की कुकीज़, बिस्किट और केक अपने गैस वाले ओवन में बनाया है, और आज मैं बना रही हूँ इसको OTG में। OTG में मेरा यहाँ पर लिमिट टेम्परेचर रहता है, और लिमिट ही ओनली 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। बहुत इजी है, 10 मिनट में मैंने ये बिस्किट बनाकर तैयार किए हैं। तो जैसे ही हम इसको OTG से निकालते हैं तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि गर्म होते हैं और अच्छे से फूल जाते हैं। तो इस तरह से हमारे ये बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं। मैंने इनको अभी OTG में निकाला है, लेकिन मैं इनको अभी थोड़ा ठंडा होने दूंगी जिससे कि ये अच्छे से निकल जाए। जब ये ठंडा हो जाएंगे तो हम इनको निकाल करके फिर दूसरे जो है हमें बिस्किट इनमें बनाने हैं। तो मैं आपको एक दिखा रही हूँ, इस तरह से हमारी ये कुकीज़ बिस्किट बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही क्रिस्पी नहीं, मतलब जैसे बिस्किट होते हैं ना उस टाइप के, ये कड़क और सॉफ्ट बने हैं। खाने में इनका जो स्वाद है बहुत ही टेस्टी आता है। आप एक बार इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि हाँ आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही इजी तरीके से मैं अपनी रेसिपी पर बहुत ही इजी तरीके से मैं अपने रेसिपी चैनल पर रेसिपी डालती हूँ।
तो इस तरह से आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट जो मेरे पास आटा बचा हुआ था उसकी मैंने इस तरह से ये बिस्किट बनाकर फिर से मैं ओटीजी में रख रही हूँ ओनली 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में हमारे ये बिस्किट बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने रागी के बिस्किट बनाकर तैयार किए हैं। खाने के बाद जब मीठे को मन करता है तो आप इनको बनाकर खा सकते हैं, महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर आप सफ़र में कहीं जा रहे हैं तो उसको भी आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिना मैदे के हैं, बहुत हेल्दी बिस्किट हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। बच्चों को, बड़ों को, सभी के लिए ये बहुत ही गुणकारी हैं। और आप सभी जानते हैं कि रागी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है बच्चों के लिए, या फिर आप इसको प्रेग्नेंट लेडी के लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि रागी आटे में बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, बहुत गुणकारी है, सभी के लिए ये बहुत ही फायदे का जो है एक स्रोत है। मिलेट है, आप जो है इसको गर्मियों भर किसी भी रेसिपी में बनाकर खा सकते हैं। और ये जो है गर्मियों के लिए बहुत ही मतलब ठंडा होता है। आप इसकी रोटी मिक्स कर सकते हैं सब्जियों में, चीला, डोसा, और इसका जो है आप शेक बनाकर पी सकते हैं। और ये बिस्किट तो बहुत ही पसंद किए जाते हैं और महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैं अक्सर गर्मियों के लिए बहुत ही इजी रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।